सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। 3 मई वैसाख प्रदोष के दिन स्त्रियां, महिलाएं, माता बहनें इस उपाय को अवश्य कीजिए यदि उनके पेट में कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, या फिर गर्भाशय में कोई समस्या है, गर्भाशय में गांठ हो गई है, या फिर गर्भाशय में इससे संबंधित किसी समस्या की वजह से वह संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पा रही है, या फिर फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत बता दी है डॉक्टर ने, तो इन सभी समस्याओं के लिए प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कीजिए। मात्र 15 दिन आपको लगातार ये उपाय करना होगा। अब इस उपाय में क्या करना है, प्रदोष के दिन आपको तिल्ली का तेल लेना है, थोड़ा सा, आधा लीटर लगभग तिल्ली का तेल ले लीजिए, जो तिल आते हैं उस तिल का तेल लेना आपको, वो भी कौन से, सफ़ेद तिल का तेल, जो तिल्ली का तेल लीजिए। अब उस तेल में आपको प्रदोष के दिन सुबह करना है, जो नंदी जी होते हैं आसपास आपके, कोई से भी नंदी जी हो या कोई गौशाला हो वहाँ पर कोई नंदी जी हो, वो नंदी जी की जो पूँछ होती है उस पूँछ के नीचे सबसे एंड वाले भाग में थोड़े से बाल होते हैं, तो उन बाल को आपको, यानी कि जो बाल वाला हिस्सा है पूँछ में, उस हिस्से को आपको, जो आपने तेल है तिल्ली का तेल, उसके अंदर डुबोना है, यानी कि उसके अंदर आपको उस बाल वाले हिस्से को तिल्ली के तेल में डुबो देना है। अब डुबोने के बाद में प्रदोष वाले दिन ही शाम को प्रदोष काल में भगवान शंकर के ऊपर वही तेल चढ़ाना है, और तेल चढ़ाते समय नीचे एक पात्र लगा दीजिए ताकि वो तेल उस पात्र में आ जाए। सारा तेल जब आप चढ़ा दें और सारा तेल जब पात्र में आ जाए तो उस तेल को वापस घर ले आइए। प्रतिदिन आपकी नाभि में 1 बूंद तेल डालिए, वो आप कभी भी डाल सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या रात्रि को सोते समय 1 बूंद तेल आपको आपकी नाभि में प्रतिदिन डालना है बस, और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरी जो भी समस्या है महादेव उसको समाप्त कर दो। 15 दिन आपको लगातार उस तेल को आपकी नाभि में डालना है। उसके बाद में आप जांच करा के आजिए डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर ने आपको समस्या बताई होगी वह पूरी समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव।